में आ जाएगा। कमी हो गई थी हमारे प्यार में कि बहन का दर्जा देकर भी आपको हम पर विश्वास नहीं है। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपको हमारे कमरे की तलाशी लेनी पड़ी? अगर आपको हमारे बारे में कुछ जानना ही था तो आप सीधा हमसे पूछती, हम मना थोड़ी ना करते। ठहरिए, देखो जीजी, हमारी परिवार की तस्वीरें, ये हम, ये हमारे बाबू और ये हमारी माई। कितना सुखी परिवार था हमारा, कितने खुश थे हम लोग, लेकिन सब खत्म हो गया और अब तो हमारे चाचा ही हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन ये सब बताने से क्या फायदा, जब आपको हमारी नियत में खोट नजर आने लगा है, जब आपके हमसे विश्वास उठ गया है, तो अब एक पल भी हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। इतना बेइज्जत होने से तो अच्छा है हम यहाँ से चले जाए। हम जा रहे हैं। और शर्मिंदा मत कर। अरे जब तेरी गलती है ही नहीं तो तू किस बात की सजा भुगतेगी? तू कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। क्यों दीदी? मीरा, तू अपने मन में कोई मैल मत रखना। तेरी दीदी से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो उसे माफ कर दे। नहीं जीजी, आप हमसे माफी मत मांगिए। अभी हम इतने बड़े भी नहीं हुए कि आपको माफ कर सके। आपको हमने अपनी बहन माना है जीजी। अब आपकी सारी बुराई भी हमारी और आपकी सारी अच्छाई भी हमारी। बस आगे से ऐसा मत कहिएगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। पगली कहीं की कैसी बातें कर रही है? क्यों मरेगी? मरे तेरे दुश्मन, हम तेरी बड़ी बहन है ना। हमारे होते हुए तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझी तू?